नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। भारत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए कोविड 19 टीके की 2.50 करोड़ से ज्यादा खुराक देकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस विश्व इतिहास का सुनहरा अध्याय बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और रिकॉर्ड इतिहास में अब दर्ज हो गया। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक दी गई कुल खुराक मध्यरात्रि 12 बजे 89.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अभियान कितनी तेजी के साथ चला। इसके अलावा कुछ और खबरों की माने तो इससे पहले दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए गए थे। मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत को बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारत ने इतिहास रच दिया। 2.50 करोड़ से ज्यादा टीके लगवाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है और ये दिन अब स्वर्णिम अध्याय में लिखा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के नाम रहा है ये दिन, उनके लिए नमन भी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हर भारतीय रिकॉर्ड संख्या में किए गए टीकाकरण को लेकर गौरवान्वित होगा। मैं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे चिकित्सकों, नवेशकों, प्रशंसकों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों की सराहना करता हूँ। कोविड 19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा लगातार देते रहे। आप बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 71वां जन्मदिन मनाया और ऐसे में बीजेपी ने तमाम तरीके के अभियान चलाए थे। इसी में ही ये खास अभियान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया जाए और हुआ भी है। एक ही दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, यानी कि एक ही दिन में अगर 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग सकती है तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में कितनी जल्दी से ही सभी लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं और कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 2 अलग-अलग वारदात में एक पुलिसकर्मी और एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात के करीब 8:30 बजे आतंकियों ने कटिहार के प्रीतनगर के रहने वाले शंकर कुमार चौधरी की डीएच पोड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। इससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी सक्रिय होते जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी लगातार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इससे पहले शाम को करीब 6:05 पर आतंकवादियों ने बंटू शर्मा नाम के पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। इन हमलों के बाद पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि अलगाववादी नेता एसएएस गिलानी की मौत और हाल में आतंकवादी संगठनों के शीर्ष कमांडरों के खात्मे के बाद घाटी में बने शांतिपूर्ण माहौल से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और उनके आकाओं में निराशा जरूर है। इसलिए आतंकवादियों ने कुलगाम जिले में काराना हमले में एक निहत्ते पुलिसकर्मी और निर्दोष बाहरी मजदूर की हत्या कर दी। अभी भी कुलगाम में लगातार आतंकी छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बल लगातार इसको लेकर अलर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है, आतंकियों की तलाश लगातार जारी है और कोई भी आतंकी ऐसी गतिविधि को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं, कई घाटियां ऐसी हैं जहां पर लगातार सर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहली बार देश ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है। ऐसे में अब टीकाकरण का काम तेज हो गया है। टारगेट है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक 100 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाए। अब सरकार इस दिशा में तो काम कर रही है, लेकिन एक खबर ऐसी भी है जो इस टीकाकरण अभियान को देश की राजनीति से सीधा जोड़ देती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर 100% टीकाकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा।
इन राज्यों में केंद्र जल्द से जल्द पूरी आबादी को कोरोना टीका लगाना चाहती है। वजह साफ है और सरल है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चुनौती हो सकती है। और इसका उदाहरण आप पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देख ही सकते हैं और उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें भी आपने देखा किस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। उसके बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर होता नजर आया, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश है कि जो भी 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि विपक्ष को इस मुद्दे को उठाने की जरूरत ना पड़े और विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश ना करे। लेकिन इसे सियासी समीकरण के तौर पर भी समझा जा सकता है ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है वो लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। चुनावी राज्यों के अलावा दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में भी टीकाकरण को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। वहां पर मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीन कवच के जरिए ही महामारी को रोकने की कोशिश है। वैसे भारत में अब टीकाकरण की गति ज्यादा तेज इसलिए होने जा रही है क्योंकि जल्द ही दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जायडस कार्डिलिया उपलब्ध होने वाली है। जानकारी मिली है कि महीने के अंत तक देश को 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को बच्चों को भी दिया जा सकता है, तो इंतजार इस बात का था कि आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है और भारत को 1 करोड़ इसके डोज मिलने वाले हैं, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर 100% टीकाकरण पर पूरी तरह से केंद्र सरकार जोर दे रही है। एक तरफ चुनाव तो दूसरी तरफ विपक्ष जो मुद्दा उठाता है कि चुनाव के दौर में केंद्र सरकार ये भूल जाती है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, रैलियों में नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उन राज्यों में पहले से पहले ही लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा ताकि विपक्ष को आवाज उठाने का मौका ना दिया। वहीं अब बात मौसम की कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यहां पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेताया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश की गतिविधियां हैं और इसके साथ ही पूर्वी भारत में फिर से भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बारिश होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आ सकती है, यानी कि सितंबर में जो कहा जा रहा था कि पूरे सितंबर बारिश हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सितंबर जा रहा है वैसे वैसे बारिश में भी कमी आ सकती है। मौसम विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के साथ शुक्रवार को मौसम उमस भरा रहा। IMD ने आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने के पूर्वानुमान जताए हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विभाग ने 18 से 20 सितंबर के लिए ग्रीन अलर्ट और 21 से 22 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो गंभीर मौसम का संकेत है। IMD ने कहा है कि 19 और 20 सितंबर को उत्तराखंड में छिटपुट बारिश की गिरावट संभावना है और काफी व्यापक रूप से भारी गिरावट के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कि एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रवार के बाद इसमें कमी आनी शुरू हो गई है। कल बारिश नहीं हुई, तमाम इलाकों में बादल कहीं भी दिखाई नहीं दिए और अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी वजह से पहले से ही लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। IMD ने कहा है कि 18 से 20 सितंबर तक ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से बारिश और अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और आगे बढ़ती हुई बात आपसे जुड़ी करेंगे क्योंकि ये मुद्दा है पेट्रोल और डीजल का। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ने की स्थिति में तेल कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ जाता है। सूत्रों का कहना है कि इसका
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। 12 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें अगस्त महीने के औसत दाम की तुलना में प्रति बैरल लगभग $4 से $6 ऊपर पहुंच गई है। हालांकि तेल कंपनियों द्वारा अभी तक खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है और आशंका है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ावा हो सकता है, तो ऐसे में दोगुनी मार आम व्यक्ति झेलता हुआ नजर आएगा। सूत्रों की माने तो अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ते हुए स्तर पर बनी रहती हैं तो तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि करनी ही पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में आखिरी बार क्रमशः 17 जुलाई और 15 जुलाई को वृद्धि की गई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 101.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 88.62 रुपये प्रति लीटर है। जुलाई की तुलना में साल अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की औसत कीमत में प्रति बैरल $3 से अधिक की गिरावट हुई थी। ऐसा अमेरिका और चीन के मिश्रित आर्थिक आंकड़ों और कोरोना विषाणु की तेजी से फैलते डेल्टा वेरिएंट के कारण एशिया में आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के बीच हुआ था। इस कारण से 18 जुलाई के बाद से तेल कंपनियां द्वारा दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 0.65 रुपये प्रति लीटर और 1.25 रुपये प्रति लीटर की कमी देखी गई थी। आखिरी बार 5 सितंबर को कीमतों में कमी देखी गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताजा घटनाक्रम के साथ कच्चे तेल की कीमतों में अगस्त के अंतिम सप्ताह से लगातार उछाल आना शुरू हो गया है, यानी कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें और ज्यादा हो सकती हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल अभी GST के दायरे में नहीं आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक के बाद कहा गया कि GST काउंसिल का मानना है कि ये समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने का नहीं है, यानी हर राज्य में अपने हिसाब से एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। वहीं बरेली में एक मासूम बच्ची एक अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रही है, जिसको अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि 6 महीने की मन्हा को गंभीर बीमारी है। उसे 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है जो अमेरिका में मिलता है। अगर बच्ची को इंजेक्शन नहीं मिला तो उसकी मौत भी हो सकती है, जिसके बाद उसकी मां ने CM योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो बच्ची के इंजेक्शन का इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक 6 माह की बच्ची जिसे ऐसे इलाज की ज़रूरत है जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका के पास है। जी हाँ, ये छोटी सी मन्ना जिसकी उम्र मात्र 6 माह है, उसको एक ऐसी बीमारी है जिससे वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका के पास है। और इलाज में जो आने वाली कीमत है वो लगभग 16 करोड़ के लगभग है। इसके इलाज के लिए उसके परिवार वाले मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से गुहारे लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उस इंजेक्शन की व्यवस्था कर उनकी बेटी के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए। अब देखना ये होगा कि कब तक वो इंजेक्शन मन्ना तक पहुंचता है जिससे वो पहले की तरह हंसने और खेलने लगेगी। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। बरेली में एक 6 माह की बच्ची है जिसको इलाज की ऐसी ज़रूरत है जिसका इलाज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरेली के थाना किला क्षेत्र में, जहाँ पर एक 6 माह की बच्ची जो कि एक बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज हिंदुस्तान में नहीं है, जिसका इलाज है अमेरिका के पास, और उसके परिवार वाले सभी जगह न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इस बच्ची का सफल इलाज मिल पाए। आइए, मेरे साथ उसके घर वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सर, मेरा नाम सबा परवीन है। जी, किस तरह की समस्या है बच्ची को, क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे? सर, मेरी बच्ची जब 2.5 मंथ की थी तो हम लोग ने नोट करा कि बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि बच्ची जो होती है उसमें मूवमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा था। पर बरेली में हम लोग ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, पर यहाँ पे कोई इसको डायग्नोज नहीं कर पाया कि इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर फाइनली हम लोग को डॉक्टर अंकुर गर्ग खुशलोक हॉस्पिटल के हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसे नेक्स्ट डे ही लेकर दिल्ली चले जाओ, क्योंकि बच्ची को शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। नेक्स्ट डे जब हम दिल्ली गए तो जब सर गंगाराम हॉस्पिटल में बच्ची का जब
टेस्ट वगैरह हुए, वहीं से डायग्नोज हुआ कि बच्ची को SMA नाम की प्रॉब्लम है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसके लिए इस बच्ची को एक इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शन का नेम है ज़ोलगेंसमा, जो कि अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाएगा। बट सर, इसका प्राइस इतना ज़्यादा है, जो कि एक हम लोग क्या सर, एक किसी भी कॉमन फैमिली के लिए अरेंज कर पाना इतना बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा, एक मान लीजिए एक ड्रीम जैसा है इतना बड़ा अमाउंट। तो बस मैं चाहती हूँ, मेरी CM सर और PM सर से अपील है कि जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ये इंजेक्शन का अरेंजमेंट करा दें, ताकि अगर टाइम पर नहीं हुआ तो बस मेरी बच्ची की लाइफ को खतरा है। तो बस मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ये इंजेक्शन दिलवाने में मेरी मदद करें, ताकि मैं अपनी बच्ची की लाइफ को बचा सकूं। वहीं मेरे साथ बच्ची के नाना मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे। ये किस तरह की समस्या है बच्ची को और कैसे? बच्ची को जो ये बीमारी हुई है, ये असल में हमने कभी ना सुना था, ना ऐसा किसी से जानकारी थी हमें। जब हमें हॉस्पिटल में मालूम पड़ा सर गंगाराम में, तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई कि ये क्या चीज़ है। और इसका खर्च उन्होंने इतना बताया है कि हम बता नहीं सकते, कि मतलब हमारे तो कहीं, मतलब हमारी पुश्तों में ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसका इलाज कर सकें। इसलिए सर से हमें अपील है कि हमारी बच्ची को इंजेक्शन लगवा दें। काफ़ी महंगा इंजेक्शन है और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर लेट हो गया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, बच्ची की जान जा सकती है। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए इतना इंतज़ाम करा दें किसी भी तरह से। बच्ची के घर वालों से क्या मदद मिल रही है आपको? बच्ची के घर वालों से कोई मदद नहीं मिल रही है। असल में ये बच्ची हमारी काफ़ी टाइम से यहाँ घर पे आई हुई है, और ये बच्ची भी यहीं पैदा हुई है हमारी यहीं। इसको 11 महीने हो गए, ये 5 महीने की प्रेगनेंट थी तो कभी घर आ गई थी ना। उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पे इससे कुछ पूछा ना ही अब कोई इसकी खैर खबर लेते हैं। बस क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सर, मुझे जो है इस बच्ची के लिए, मनहा बच्ची के लिए इंजेक्शन का इंतज़ाम करा दें सर। योगी सर, मोदी सर से बड़ी दिल से अपील है कि किसी सूरत से इसका इंतज़ाम करा दें, इसकी जान बच जाएगी, समझे हमें सब कुछ मिल जाएगा। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची के इलाज में 18 करोड़ या 16 करोड़ लगभग लागत है, जिसका इंतजाम सरकार से करने के लिए बच्ची के घर वाले निरंतर प्रयास कर रहे हैं और गुहार भी लगा रहे हैं। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। 12 घंटों से भी कम समय में फर्जी लूटकांड का ऑन द स्पॉट खुलासा कर दिया। लूट की फर्जी सूचना देने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर उससे कैश बरामद कर लिया गया है। दरअसल जिले की टिकैत नगर कोतवाली पुलिस को चौधरी फिलिंग सेंटर पेट्रोल पंप मैनेजर से 5,73,500 रुपए कैश की लूट की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, जिसका चंद घंटों के अंदर ही खुलासा कर दिया गया कि ये लूट फर्जी है। ये 24 घंटे के अंदर ही एक लूट का खुलासा है, जिसमें कल वादी अमर सिंह ने, जो चौधरी फिलिंग स्टेशन के मालिक है, उन्होंने सूचना दिया कि उनका मैनेजर जो मनमीत है, वो 5,73,500 रुपए लेकर के निकला है बैंक में जमा कराने के लिए। और उसके बाद उसके साथ दो पल्सर सवार व्यक्ति आए, उन लोगों ने पिस्टल दिखा करके उसके साथ लूट कारित कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में थाने पर एक मुकदमा अपराध संख्या 285/21-392 के तहत दर्ज किया गया। तत्काल इसमें क्षेत्राधिकारी, एडिशनल SP और SWAT सर्विलांस की टीम और थाने की टीम लगाई गई। पूरा घटनाक्रम निकल के आया कि ये जो मनमीत कुमार है, जो मैनेजर है, ये फिलिंग स्टेशन पर 7 साल से करीब काम कर रहा था। पहले ये पेट्रोल भरने का काम करता था, बाद में अपग्रेड होकर के मार्च में इसको मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद ये धीरे धीरे वहां से पैसे चुरा रहा था, जिसमें 4,50,800 रुपए ये चुरा चुका था। उसके बाद जब मालिक ने दो एक दिन पहले कहा कि जितने पैसे पहले से कम हैं वो, और जो पैसे अभी आज के जमा हुए हैं उसको इकट्ठा करके ले जाके बैंक में जमा करा दो, तो इसने बात किया एक बैंक से, वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बारिन बाग से, तो वहाँ पे पता चला कि वो उसका सर्वर राज डाउन है। इस तरीके से इसने फिर एक प्लान बनाया कि जो हिसौर बैंक ऑफ इंडिया में है, वहाँ पे टोटल जो इसने पैसा गबन किया था वो, और जो उस दिन का कलेक्शन था वो, ले जाके जमा कराएगा और एक लूट का पूरा दिखा देगा कि इसके साथ लूट हुई है। और उसके बाद ये पैसा जो बचा हुआ है उस दिन का कलेक्शन, वो भी हड़प लेगा, और जो पहले से पैसे इसने हड़प रखे हैं उसको भी उसी में समेट लेगा। इस तरीके से इसने प्लान बनाया था। 1,22,700 रुपए इसके मनमीत के पास से बरामद हुए हैं, और जो पूर्व में इसने गबन किए थे वो भी इसने स्वीकार किया है। अभी गिरफ्तार किया गया है इसको और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। हाथरस इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार की बीमारी को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। अब तक जिले में डेंगू के 76 मामले यहां मिल चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इन मरीजों में से डेंगू से एक की मौत भी हो चुकी है, वहीं वायरल बुखार से 5 लोगों की
जाने जा चुकी हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस बीमारी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। जिला अस्पताल में बने डेंगू वार्ड में मरीज भर्ती हैं। अब तक 2200 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव में कैंपेन कर लोगों का उपचार और चेकअप करती हुई नजर आ रही है। तो डेंगू बुखार से कोहराम लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अब तक 2200 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू से एक की मौत और वायरल बुखार से करीब 2 से ज़्यादा लोगों की जान यहाँ जा चुकी है। वायरल का प्रकोप है, जो बुखार के मरीज हैं हमारे पास करीब 2200 मरीज उन्होंने चिन्हित किए हैं पिछले 15-20 दिनों में, उसमें बहुत से ठीक भी हो गए हैं। और जो डेंगू की हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, डेंगू में हमारे पास 56 केस परसों तक थे, एक नई रिपोर्ट जो आई उसमें 20 हैं, लेकिन जो हमारे पूरे 76 केसेस हैं वो सब जीवित हैं, उसमें एक केस की डेथ हुई है, बाकी सब सही हैं। 75 केस हमारे ठीक हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उनके घरों पे कार्रवाई की जा रही है, घर के चारों तरफ हमारी टीमें लगी हुई हैं और वहाँ पर जहाँ जहाँ डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं घरों में उनको खाली करवा रहे हैं। वहाँ पर जो पानी बर्तनों में भरा हुआ है, कूलर्स में भरा हुआ है, ये सब खाली कराने की एक्टिविटी हमारी टीम कर रही है। जिन घरों में केसेस मिले उनके चारों तरफ के 50 घरों में हम लोग पायरेथ्रम का छिड़काव घर के अंदर करवा रहे हैं। गांव में जगह जगह लार्वीसाइडल हमारे पंचायती राज और नगर पालिका के सहयोग से चल रहा है और फॉगिंग का कार्य भी सभी जगहों पर किया जा रहा है। सर, डेंगू की बात करें तो डेंगू की जो जाँच होती है क्या वो जिला अस्पताल में होती है? सब पहले नहीं थी, लेकिन एफर्ट करके ये किया गया क्योंकि पहले हम लोग की अलीगढ़ जाती थी। प्रदेश भर में फैले वायरल से हाथरस में भी देखने को मिला है, जहां हाथरस में बुखार व डेंगू की पुष्टि लगातार देखने को मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर हड़कंप मच चुका है। अब तक जिले में 76 केसेज देखने को मिले हैं, जिसमें 5 लोगों की बुखार से मौत हुई है, एक मौत डेंगू से भी हुई है। देखना यह है कि जिला अस्पताल द्वारा जिले में लगातार फॉगिंग व उपाय किए जा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए दीपेश पौरुष, हाथरस। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने राजधानी देहरादून में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनका यह भी कहना है कि यह चुनाव युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की सकारात्मक पैरवी पर भी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट में धामी सरकार ने इस मामले में बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी की है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी जोशी ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि प्रदेश के विकास के लिए इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर और तेजी के साथ चलाया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, चारधाम पुनर्निर्माण काम समेत कई योजनाओं पर उन्होंने जानकारी दी। राज्य सरकार की तरफ से कोविड काल से उभरने के लिए दी गई प्रोत्साहन राशि को भी एक बड़ी और सकारात्मक पहल यहाँ पर बताया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2322 करोड़ रुपया सैंक्शन करके वर्क शुरू हो गया है। हमको स्वराज्य मिलके अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन जब तक मोदी जी नहीं आए तब तक देश में 18,000 से ज़्यादा गांव को कनेक्शन नहीं था और सौभाग्य योजना में हम उत्तराखंड में भी 2.5 लाख से अधिक घरों से मीन देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी वो हमने पहुंचाया है। और हमारा जो जैली ग्रंट अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माण है, हवाई जहाज, उसका अपग्रेडेशन मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और कंप्लीट भी हो गया है। और राज्य सरकार के बारे में
और इसके अलावा भी केंद्र सरकार का और एक इम्पोर्टेंट 6000 ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्शन दे जोशी। और यहां पर उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, वही चेहरा होंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।